दोस्तों अगर आपकी एज 18 साल से कम है यानी कि गाइस आपकी गिनती एक माइनर पर्सन में होती है या फिर गाइस आप एक गार्जियन हैं, आप अपनी बच्चे का ऑनलाइन जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने की तलाश में हैं, तो फाइनल गाइस आप IDBI बैंक के पास जा सकते हैं। जी हाँ गाइस, IDBI बैंक 2023 में एक न्यू अकाउंट लेकर के आई है जो कि गाइस स्पेशल माइनर के लिए है जिनकी भी उम्र 18 साल से कम है। वे लोग कंप्लीट इस अकाउंट को बहुत ही आसानी से ओपन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो अकाउंट लेकर के आई है वे अकाउंट कंप्लीट यहाँ पे पावर किड्स अकाउंट है। गई आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं IDBI बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं और गई यहाँ पे आपको एक अप्लाई नाउ की बटन मिलेगी। फाइनल गई आप डायरेक्टली अप्लाई नाउ वाले बटन पे क्लिक करके आप अपनी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों अगर बेनिफिट के बारे में बात करें कि IDBI बैंक यहाँ पे माइनर को क्या क्या बेनिफिट प्रोवाइड करती है, क्या क्या फ्यूचर प्रोवाइड करती है, तो फाइनल गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मंथली एवरेजली बैलेंस यहाँ पे आपको बिल्कुल 500 रुपया मेंटेन करनी है। देखिए गाइस, अगर आप अपनी अकाउंट में एवी अमाउंट नहीं मेंटेन करते हैं तो यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की चार्जेस नहीं देनी होती है। यानी कि गाइस ये अकाउंट जो है बिल्कुल जीरो बैलेंस के साथ ओपन होती है। साथ में गाइस यहाँ पे बताया गया है कि जो भी किड्स हैं, जो भी माइनर हैं, उनको यहाँ पे ATM कार्ड की फैसिलिटी मिलती है और गाइस उस ATM कार्ड से आपको जो है विड्रॉल लिमिट यहाँ पे 2000 रुपया है, चाहे आप ATM मशीन से विड्रॉल करें या फिर POS मशीन से करें। और तो और गाइस यहाँ पे आपको पर्सनलाइज चेकबुक की फैसिलिटी मिल जाती है और गाइस यहाँ पे फ्री मंथली स्टेटमेंट की फैसिलिटी मिल जाती है। साथ में गाइस पासबुक की फैसिलिटी मिल जाती है। इसी के साथ साथ गाइस यहाँ पे आपको डिमांड ड्राफ्ट की फैसिलिटी मिल जाती है। साथ में गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्री 5 ATM ट्रांजेक्शन अदर बैंक ATM। यानी कि गाइस अगर आपके लोकेशन में IDBI बैंक की ATM नहीं है तो आप जो है दूसरी बैंक की ATM से अपने पैसे की विड्रॉल कर सकते हैं। गाइस यहाँ पे आपको बहुत सारी बेनिफिट मिलती है। तो देखिए दोस्तों, आप इस बैंक में अकाउंट किस प्रकार से ओपन करेंगे, इस वीडियो में हमने आपको कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करके लाइव यहाँ पे मैंने अकाउंट ओपन करके दिखाया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, नहीं तो गाइस यहाँ पे एक भी स्टेप को मिस कीजिएगा तो IDBI बैंक में आपको अपने जीरो बैलेंस वाली अकाउंट ओपन करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये IDBI बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आपको माइनर के लिए अकाउंट ओपन करने की जर्नी स्टार्ट होती है। देखिए दोस्तों, इस पेज का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखा है। फाइनल गाइस आप उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं जहां से आप अपने अकाउंट मात्र 5 मिनट के अंदर में कंप्लीट ओपन करेंगे। देखिए दोस्तों, यहां पे आपके डॉक्यूमेंट के बारे में कंप्लीट चीजें बताई गई है कि यहां पे आपको अपने गार्जियन की बेसिस पे आपकी अकाउंट ओपन होगी। यानी कि गाइस माइनर का यहाँ पे पैन कार्ड आधार कार्ड बहुत ही कम होता है, तो फाइनल गाइस यहाँ पे आपकी पेरेंट्स के आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पे आपकी अकाउंट ओपन होगी। और देखिए गाइस यहाँ पे साफ शब्दों में मेंशन किया गया है कि 2 माइनर 2 गार्जियन नॉट अलाउड इन ए माइनर अकाउंट। यानी कि गाइस यहाँ पे अगर आप चाहते हैं ज्वाइंट अकाउंट ओपन करने के लिए 2 माइनर का और गाइस जिसमें आप चाहते हैं 2 गार्जियन का यहाँ पे इन्वॉल्व करने के लिए, तो फाइनल गाइस यहाँ पे आपकी अकाउंट जो है ओपन नहीं होगी। यहाँ पे बस सिंगल माइनर की अकाउंट ओपन होगी। फाइनल गाइस आप इस चीज को समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। और देखिए गाइस यहाँ पे हाउ टू अप्लाई के लिए आपको यहाँ पे कंप्लीट 3 स्टेप बताया जाता है। आपको यहाँ पे 3 स्टेप को फॉलो करनी है, यहाँ पे आपकी अकाउंट जो है कंप्लीट ओपन हो जाती है। पहली स्टेप है कि यहाँ पे आपको जो है इस नंबर पे कॉल करके यहाँ पे आपको अपनी इन्फॉर्मेशन लेनी है, आपकी अकाउंट ओपन हो जाती है। दूसरी ऑप्शन है कि यहाँ पे आपको ब्रांच विजिट करके आप अपने अकाउंट को कंप्लीट ओपन करा सकते हैं। तीसरी ऑप्शन है कि यहाँ पे रिसीव ए कॉल बैक करके, यानी कि आप यहाँ पे अपनी कुछ डिटेल फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ पे IDBI बैंक की जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वे आपकी अकाउंट जो है कंप्लीट ओपन कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे हम जो है तीसरी वाली ऑप्शन को फॉलो करते हैं। यहाँ पे इस पेज को एक्सप्लोर के ऊपर आना है और गाइस यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ वाले बटन पे क्लिक करना है। गाइस यहाँ पे आप जैसे ही अप्लाई नाउ वाले बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होती है। फाइनल गाइस यहाँ पे क्लिक हेयर टू स्टार्ट की एक बटन मिलेगी। फाइनल गाइस यहाँ पे आप क्लिक हेयर टू स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए गाइस यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है कि हेल्प अस कॉन्टेक्ट यू, एग्जिटिंग कस्टमर नॉन एग्जिटिंग कस्टमर है, तो यहाँ पे हम नॉन कस्टमर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए गाइस यहाँ पे आपको अपने कंप्लीट मोबाइल नंबर फिल करनी है। गाइस आप अपनी अकाउंट के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं, फाइनली गाइस यहाँ पे आप अपने कंप्लीट मोबाइल नंबर फिल करेंगे और गाइस यहाँ पे जनरेट OTP वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए गाइस आपने जो भी मोबाइल नंबर फिल किया है उस मोबाइल नंबर पे IDBI बैंक की तरफ से एक OTP सेंड की जाती है। जैसे गाइस मुझे यहाँ पे कंप्लीट OTP मिल चुकी है, मैं यहाँ पे अपनी OTP फिल करता हूँ। OTP फिल करने के बाद यहाँ पे आपको एक वेरीफाई की बटन मिलेगी। फाइनल गाइस यहाँ पे आप वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अब गाइस यहाँ पे आपको अपनी कुछ डिटेल फिल करनी है। जैसे गाइस सबसे पहले यहाँ पे आपको अपनी फर्स्ट नेम फिल करनी है, आपको यहाँ पे मिडिल नेम फिल करनी है, लास्ट नेम फिल करनी है
और गाइज यहाँ पे आपको जेंडर बतानी है कि आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं। यहाँ से आप अपनी कंप्लीट जेंडर फिल करेंगे, उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करने की ऑप्शन मिलती है, यहाँ पे आपको एक कैलेंडर मिलेगी और गाइज यहाँ से कंप्लीट आप अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद यहाँ पे आपकी मोबाइल नंबर जो है ऑटोमेटिक आ जाती है गाइज। उसके बाद यहाँ पे आपसे अल्टरनेट मोबाइल नंबर मांगी जाती है, यहाँ पे आप अपनी अल्टरनेट मोबाइल नंबर फिल करेंगे, ईमेल आईडी फिल करेंगे, जो भी ईमेल आईडी आप अपनी अकाउंट के साथ लिंक करना चाहते हैं, और गाइज यहाँ पे आप अपनी पैन कार्ड की नंबर फिल करेंगे। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप अपनी पेरेंट्स की पैन कार्ड फिल करेंगे, और गाइज यहाँ पे आपको बतानी है कि आप जो है इंडिया की रेफिडेंशियल है तो यहाँ पे इंडिया पे फिल करेंगे, और गाइज यहाँ पे आप अपनी कंप्लीट एड्रेस फिल करेंगे। जैसे गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस फिल कर लिया है, और गाइज यहाँ पे वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और गाइज यहाँ पे आपको अपनी लोकेशन बतानी है कि आप किस लोकेशन से यहाँ पे बिलोंग करते हैं, आप अपनी कंप्लीट लोकेशन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको सिलेक्ट प्रोडक्ट ग्रुप की ऑप्शन मिलेगी, गाइज यहाँ पे हम सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम सेविंग अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पे सिलेक्ट प्रोडक्ट टाइप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और गाइज यहाँ पे आप जो है कोर सेविंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पे सिलेक्ट प्रोडक्ट वेरिएंट की ऑप्शन मिलती है, फाइनली गाइज यहाँ पे आप जो है पावर किट सेविंग अकाउंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको कौन सी डेट पे आपको अपनी अकाउंट ओपन करानी है, यहाँ से कंप्लीट आप डेट सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप अपने टाइम सिलेक्ट करेंगे, और गाइज यहाँ पे आप जो है किसी भी 4 डिजिट की यहाँ पे आप अपनी पासवर्ड बना लेंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पे सिलेक्ट स्टेट की ऑप्शन मिलेगी, फाइनल गाइज यहाँ पे सिलेक्ट स्टेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और गाइज यहाँ पे कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं उसे फिल करेंगे, और गाइज सिलेक्ट सिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं यहाँ पे आप अपनी कंप्लीट सिटी सिलेक्ट करेंगे, और गाइज यहाँ पे सिलेक्ट ब्रांच वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और गाइज आपकी सिटी में जो भी ब्रांच होगी यहाँ पे आपको कंप्लीट देखने को मिलती है। फाइनली गाइज यहाँ पे आप जैसे ही ब्रांच सिलेक्ट करेंगे उसके बाद गाइज यहाँ पे आपकी ब्रांच की जो भी एड्रेस है आपको कंप्लीट यहाँ पे देखने को मिलती है। फाइनली गाइज यहाँ पे आपको इंटर कैप्चा की एक ऑप्शन मिलेगी, इस कैप्चा को आप जो है इस बॉक्स में कंप्लीट फिल करेंगे। गाइज आप जैसे ही कैप्चा फिल करेंगे यहाँ पे आपको एक सबमिट की बटन मिलेगी, फाइनल गाइज यहाँ पे आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। गाइज जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं थैंक यू, और गाइज नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं आवर रिप्रेजेंटेटिव विल कॉन्टेक्ट यू शॉर्टली, यानी कि गाइज यहाँ पे आप देखिए क्या होता है कि आपकी जो भी डाटा है वे IDBI बैंक की अकाउंट ओपन करने की जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उनके पास सबमिट कर दिया गया है, और गाइज यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने जो भी टाइम और जो भी डेट आपने सिलेक्ट किया है फाइनल गाइज उस डेट पे उस टाइम पे फाइनल गाइज IDBI बैंक की जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वे आपके एड्रेस पे यानी आपके घर पे आएंगे, आपने जो भी एड्रेस फिल किया है उस एड्रेस पे, और गाइज यहाँ पे आपकी अकाउंट की कंप्लीट KYC करके आपकी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे, आपकी बेसिक डिटेल्स वेरीफाई करेंगे, और गाइज यहाँ पे आपकी अकाउंट जो है कंप्लीट ओपन कर देंगे। देखिए दोस्तों आपने जो भी टाइम और जो भी डेट सिलेक्ट किया है उससे 1 से 2 दिन पहले आपके मोबाइल नंबर पे IDBI बैंक की तरफ से कॉल की जाएगी, और गाइज जब भी आप उस कॉल के साथ कनेक्ट होंगे यहाँ पे आपसे बेसिक कुछ डिटेल्स पूछी जाएगी जो कि आपके एड्रेस से संबंधित होगी। उसके बाद गाइज आपके टाइमिंग पे आपके डेट पे IDBI बैंक की एग्जीक्यूटिव आपके घर पे आके आपके अकाउंट ओपन कर देंगे, हो सके तो गाइज इसकी कुछ चार्जेज आपको पे करनी होती है। तो फाइनली गाइज उम्मीद करते हैं कि वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हुआ होगा, और गाइज आपने ये चीजें समझ गए होंगे कि IDBI बैंक में जिनकी भी उम्र 18 साल से कम है, जो भी माइनर है, वे किस प्रकार से अपनी अकाउंट ओपन करेंगे। देखिए दोस्तों मैंने जिस टॉपिक के ऊपर जिक्र किया था इस वीडियो में, अगर उस टॉपिक से रिलेटेड आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम हो रही है तो फाइनल गाइज आप मुझे पर्सनली कमेंट कर सकते हैं, मैं यहां से इंस्टेंट रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसे ही वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पे बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोज आपके लिए रेगुलर लाते रहते हैं।